कल आपने बताया था कि बुझे हुए दिए दोबारा नहीं जलाने चाहिए। तो गुरुदेव, जब हमारे घर के पूजा घर में सरसों या घी के तेल का दीपक जो कि पूरा भरा हुआ है कई बार शांत हो जाता है, तो क्या उसे भी नहीं जलाना चाहिए? मुश्किल क्या आती है कि आपको अगर किसी समय ये कहा गया कि आप जो है घी चुपड़ी रोटी मत खाइए, तो अब उस नियम को आप एकदम से, ये सबसे बड़ी एक दुविधा है शिष्यों के साथ, आपने पूरा संवाद मेरा सुना नहीं, इसका मतलब ध्यान से। मैंने कहा था कि उस मंदिर में कोई आदमी अपना उतारा करके अपनी अपनी अला बला, अपना दुर्दिन, अपना दुर्भाग्य, अपना संकट, अपनी परेशानी, अपनी मृत्यु उस दिए में जला करके चला गया है। आपने तो अपने घर में ये किया, आपके घर में मोहल्ले के, गांव के, गली के लोग आकर के दिया जलाते हो अगर आपके पूजा घर में, तो फिर मत जलाना उसको। और अगर आप अपने पूजा घर को स्वयं ही कर रही हो तो फिर उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। और आपने सभी के लिए खोल रखा है दरवाज़ा कि भैया आते रहो और दिए जला जला के जाते रहो, तो फिर वहाँ भी ये नियम लागू होगा। मंदिर में उसमें ये ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर उसे किसी भी संवाद को आपको मुझसे प्रश्न पूछने से पहले ही अगर आप दोबारा सुन लें, वहीं उसका उत्तर निहित है। मैंने कल बोली थी ये चीज़ कि वो चूंकि बहुत जन, आपने को पता ही नहीं है कौन जला के गया, या तो पता हो आपको, आपकी बहन ने जलाया और वो शांत हो गया, तो आपको तो पता है। भले कि हर एक के संकल्प अलग अलग होते हैं और परमात्मा के मामले में लोग बड़े सियाने हैं, अब सबकी दुनिया अलग है, वो सबको सोने के कंगन चाहिए लेकिन अपने लिए पहले चाहिए, दूसरे को मिले कि नहीं मिले वो बात की बात है, चाहे कितना भी बड़ा वो हो, ये एक सत्यता है जीवन की। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि कंगन बनवा के लाए और वो पहले कहें कि तुम ही ले लो, तो रोटी की थाली तो दूसरे को देता नहीं है आदमी, पकोड़े का दोना तो किसी को देता नहीं है, कंगन सोने के कैसे किसी की तरफ बढ़ा देगा, और वो ऐसे चलता है। बहरहाल, तो वहाँ जहाँ ये ना पता हो कि किसने दिया जलाया था और वो बुझ गया, या किसी की मनोती क्यों उसमें, उन बुझुओं को जलाने क्यों चले हो आप मुझे बताओ, आप दिया जगाओ या मत जगाओ, दैट्स ऑल। अब कहीं, अब ये तो ऐसे समझिए कि मुर्दे पड़े हैं, आप कहेंगे जो मुर्दा जो पहले पड़ा है पहले उसकी अंत्येष्टि कराएंगे जा करके, हम अपने घर का काम बाद में कर लेंगे, तो फिर इसी काम में ले जाओ। वो जला बुझा हुआ जो दीपक है वो मृत संकल्प ही है, वो एनर्जी कंज्यूम हो चुकी, वो चीज़ समाप्त हो चुकी, उसे क्यों आप उसमें क्यों फंस रहे हो, आप तो उसमें मत जाइए। अपने घर में आप अपना दिया जगाइए, 100 बार जगाइए, उसमें कोई दोष नहीं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात। Yeah.